एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साफिया की दुनिया। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे। आप लोगों को आज मैं अपनी किचन की टूर करवाने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं मेरे किचन कैसी है। अब चलते हैं हम अपने मेन किचन के बेसन के पास। तो देखिए, ये मेरा बेसन है जिसमें मैं बर्तन धोती हूँ। देखिए, आपको ये टुकड़ा नज़र आ रहा है, ये मैं रखती हूँ मैंने बर्तन धो के पोछने के लिए काउंटर टॉप और बर्तन। और ये है नल जिससे मैं बर्तन धोती हूँ। और यह है विम बार का डब्बा, इससे मैं बर्तन धोती हूँ। और ये प्लांट आपको एक नज़र आ रहा है ना, एक कॉर्नर में बेसन का ठीक, इससे मैं सजा के रखा हुआ। ये ओरिजिनल प्लांट है, पत्ता बाहर गाछ कहते हैं इसे। और ठीक इसी के ऊपर मैंने लगा के रखी हुई, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और किचन में खूबसूरती लाने के लिए। इसमें ढेर सारा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, जैसे कि मैंगो और कैप्सिकम, पोटैटो, ग्रेप्स, सब चीज़ें। और देखिए, ये मेरा बेसन के ठीक ऊपर में मैं कुछ हुक हैंगिंग करके रखी हूँ, जिसमें कि मेरे देखिए सामने में पूरा चाय की कप, और पीछे में भी जैसे दिखाते हैं आपको, देखिए उतार के, ये भी सारे कप मार्क्स मेरी बेटी के हैं, ये देखिए। और ठीक उसी के पीछे में देखिए दिखाते हैं जितने सारे खाना निकालने का, खाना पकाने का, सब्जी निकालने का, पकाने का, जितने स्पून में टांग के रखी हुई हूँ। और ठीक उसी के बाजू में मैं एक बास्केट ली हूँ, और उसमें मैं एक साटन रिबन से फ्लावर बना के हैंगिंग टांग दी हूँ, क्योंकि मुझे काउंटर टॉप क्लीन रखना है, इसीलिए मैं काउंटर टॉप में कुछ नहीं रखती हूँ। आप देखिए, मेरा काउंटर टॉप बहुत ही छोटा है, तो इसमें मैं नहीं रखना पसंद करती, कोई चीज़ क्लीन रखना पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैंने इस पर हैंगिंग करके रख दिया। और इसमें छोटी छोटी चम्मच, फोर्क, छुरी, जो जो मेरे किचन के सामान है, पकाने में लगती है, यूज़ होता है, वो मैं या खाने के वक्त जो लगता है तो मैं यहाँ से लेती हूँ। और यहीं धो के, नीचे बेसन है तो धो के टांगने में भी मुझे आराम होता है और लेने में भी, तो मैं यहाँ ऐसे इसे सजा के रखी हूँ। और ठीक इसी के ऊपर में एक छोटी सी कबर्ड है, मैं दिखाती हूँ आपको, जिसमें मैं सारे मसाला रखती हूँ। देखिए, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये हल्दी पाउडर, ये मिर्च पाउडर, ये जीरा पाउडर, और ये धनिया पाउडर, ये है मेरा तड़का के दाल, ये है गरम मसाला, धनिया साबुत, उसके बाद गोल की, ये तो बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जो मेरे केक बनाने के काम में आते हैं, और छोटे छोटे डब्बे में है छोटे छोटे मसाले, जो खड़ा मसाला होता है जो किचन में हमको पकाने वक्त काम आता है वो रखते हैं। और ये डब्बे में भी देखिए, किसी में चना है तो किसी में खड़ा सामान है, तो कुछ कुछ मैं इसमें भी भर के रख। ये मेरा दूसरे कवर्ड है, इसे मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए, इसमें है मेरा चीनी, नमक, चना दाल, बेसन, चाय पत्ती, मखाना और पास्ता, ये सब में भी सामान है, जैसे इसमें मेरा चावल की आटा, तेज पत्ता, सोडा, सूखी मिर्च, काला नमक, और ये भुनी हुई नमक सादा जो मैं केक बनाती हूँ उसमें लगता है, मैं तो केक डेक्ची में बनाती हूँ तो वो नमक लगता है, तो मैं ये सारे सामान यहाँ पे सजा के रखे हुए। तो अब देखिए, ये मेरा काउंटर टॉप है, बहुत ही छोटा है, ठीक ऐसा देखिए। और ये मेरा दो बर्नर स्टोव, गैस स्टोव है प्रेस्टीज का। और ठीक इसी के ऊपर में दो बॉटल में सजे हुए है, ये ओरिजिनल मैंने वेजिटेबल्स की है जो मैं सजा के रखी, मेडिसिन दिया हुआ है। और ठीक उसी के ऊपर में आर्टिफिशियल गाछ मैं लगा के रखी हूँ, क्योंकि आपको तो मैंने कहा अमर गाछ पाला भीषण पसंद हो,
खूब पसंद आमी जेखाने पाई गाछपाला लागिए दी जेखाने पाई बोलते आमार घरेर भीतरे। चलिए अब आपको हम अपना हैंड बेसन दिखाते हैं। देखिए ये है मेरा एक छोटा सा ड्रॉ मिरर इसमें लगा हुआ है, मैं भी देख रही हूँ इसमें। और देखिए इसे खोल के दिखाती हूँ। इसमें देखिए छोटा छोटा सामान है, ब्रश, कोलगेट, फेस वॉश, कम्फर्ट, हैंड वॉश, सर्फ, साबुन, देख रहे हैं छोटे छोटे जितने मैंने हैंड वॉश जितना सारे सामान होते छोटे छोटे मैं इसमें रखती हूँ। और ठीक इसी के नीचे में मेरा हैंड बेसिन है। देखिए ये नल है जो खाना खाने के बाद हम लोग इसी बेसन में हाथ धोते हैं। और बेसन का ठीक नीचे में मैंने छोटा हैंड टॉवल रखे है जो हाथ पोछने के काम आते हैं। तो ये है मेरा हैंड बेसन। और आपको मैं ले चलती हूँ एक हैंड शावर मैंने हैंड वॉश डब्बा जो छोटे मोटे बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत देखने में है, एलिफेंट बना हुआ, इसमें हैंड वॉश है, इसी से हाथ धोते हैं। और आपको दिखाती हूँ मैं अपना ओवन। देखिए ये मेरा ओवन है और ओवन के नीचे ठीक एक मेरा बॉक्स है छोटा सा, तो इसी के ऊपर मैं ओवन रखती हूँ। तो इस बॉक्स में मैंने रखा अपना टोस्टर और ये बाजार की थैली मैं इसी में रखती हूँ। और उसके नीचे में है मेरा सैंडविच मेकर, ये है केटल मैंने गर्म पानी करने के लिए जो मुझे ठंडा में काम आता है। और ये है कुछ डब्बा जो मैं यहाँ रखती हूँ और किसी को कुछ देना लेना होता है तो मैं यहीं से यूज़ करती हूँ। तो अब इसे बंद करते हैं। और इसके नीचे मैं एक स्टोव रखी हुई हूँ जो मुझे कोई फंक्शन वगैरह में काम आता है। और उसके ऊपर मैं आपको एक दिखाती हूँ छोटा सा प्यारा सा बास्केट है जो मैं आर्टिफिशियल फ्रूट्स ग्रेप्स और वेजिटेबल से सजाई हुई हूँ। कैप्सिकम मैंने ग्रीन और रेड नीचे में है ऑरेंज देखिए इसे मैं खूबसूरती से सजा कर रखी हुई हूँ मेरे अपना ओवन के ऊपर। सिलेंडर है खाली, एक्स्ट्रा सिलेंडर जो रहता है भरा हुआ है तो मैं इसे एक टुकड़ा कपड़ा दे के लपेट के रखी हूँ क्योंकि खाली देखने में अच्छा नहीं लगता है। और ये खूबसूरती के लिए मैं ऐसे कपड़ा दे के लगा के रखी हूँ। ठीक इसी के ऊपर में मेरा ये टोकरी है, मैं खोल के दिखाती हूँ आपको। देखिए ये नीचे वाले में चावल पसाते हैं, खाना जो बनता है चावल उसको पसाते हैं। और इसमें मैं आलू प्याज रखती हूँ और इसे भी मैं ढक के रखती हूँ। ये है मेरा किचन का विंडो और ये विंडो में कितना खूबसूरत प्यारा दो प्लांट लगाई हूँ। देखिए यह चाय के कप की चाय की कप जो उसका हैंडल टूट गया था तो मैं इसे थोड़ा मिट्टी देके और इसमें ये ओरिजिनल प्लांट्स है मैं लगा दी। और ये है एक भाड़ा मिट्टी का, देखिए दो साइड में दो प्लांट मैं लगाई हूँ। ये मेरा विंडो को मैं दिखाती हूँ। ठीक मेरा जो किचन का दो बर्नर स्टोव गैस था उसी के नीचे में मेरा एक कवर है जिसमें मैं यूज़ करती हूँ जैसे पतीले और सैनी और मैंने मोमो कुकर ऐसे कुकर अंदर में भी बहुत सारे पतीले हैं डब्बा है जो सब मैं यूज़ करती हूँ खाना पकाने के लिए वो मैं इस कवर में रखती हूँ। उसी के बाजू में और एक कवर्ड है जिसके नीचे गैस सिलेंडर रहता है जिससे गैस मेरा बर्नर जलता है चूल्हा वो गैस सिलेंडर है। उसके साइड में देखिए दो तेल के डब्बा है, कड़वा तेल और रिफाइन ऑयल है। ये खाना में हम पकाते हैं जो यूज़ करते हैं वो है। ये कुछ कटोरी है जो हमेशा मुझे ज़रूरत रहता है तो मैं हाथ के सामने नीचे रखती हूँ। और ये कुछ बर्तन है स्टैंड में रखी हुई हूँ
और ये मैं इसके अंदर रखी हूँ इसके लिए कि यहाँ नीट एंड क्लीन रहता है, कोई कीड़ा मकोड़ा का डर नहीं रहता, और यहाँ एक झंझरी भी बनी हुई है तो धोने के बाद ये पानी अच्छा से ड्रेन हो जाता है। और ये है मेरा चावल के डब्बा, आटे के डब्बा, मैदा के डब्बा, और इसमें बहुत सारे जो ग्रॉसरी सामान होते हैं वो रखती हूँ मैं। तो ये है मेरा, ये जो मेरा बर्तन धोने का बेसन है, ठीक उसी के नीचे में मेरा जो कवर्ड है, अब देखिए बहुत छोटा जगह है, छोटा किचन है, तो क्या करें, तो मैं ऐसे ही रखे हुए सामान। ये है पानी का ड्राम जिसमें मैं पानी भर के रखी हुई है स्टोर करके, जब पानी नहीं रहता है तो मैं इसी से खाना वाना बनाती हूँ, और एक दिन छोड़ छोड़ के मैं ये चेंज करती हूँ। और इसमें भी देखिए मेरे सारे पतीले हैं, इसमें डब्बा एक, इसमें मेरा कुछ सामान है, और ये है मिक्सर ग्राइंडर जार, और ये है मेरा मिक्सर, तो मैं इसे यहाँ पे सेट करके रखी हुई हूँ। आइए मैं आपको अपने किचन की टूर करवाती हूँ। देखिए ये मेरा किचन का शोकेस है जिसमें मैं अपना यूजेस, डेली यूजेस चीज़ रखती हूँ, जैसे कि ये सारे ग्लासेस पानी पीने के लिए, और ये चाय की कप, और ये कटोरी है सब जो हमें डेली यूज़ होता है। और देखिए ये सभी मैं रखी हूँ, जो यूज़ होता है मैं निकालती हूँ, नहीं तो ऐसे रहने देती हूँ। देखिए यह है मेरे सारे किचन की सामान, ये ड्रॉ करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसमें भी मेरा किचन का सामान है, इसमें जूसर है, नया है, निकाला नहीं मैंने, यहाँ प्लेट कटोरी सब रखा हुआ है, ये सब बॉटल हम यूज़ नहीं करते हैं इसलिए रख दिए हैं। देखिए ये ट्रे वगैरह है सब इसमें रखे हुए हैं, इस बॉक्स में, जब कोई गेस्ट आते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं यहाँ से निकाल के लेती हूँ। अच्छा आपको और एक ड्रॉ दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे मेरी बेटी के जितने खाने का सामान है, हम रहे या ना रहे वो अपने निकाल के खाती है, और ये ड्रॉ यूज़ नहीं होता, ये जाम हो चुका। मैं अपने किचन का वॉल दिखाती हूँ, कोना से देखिए, मैं ये आर्टिफिशियल प्लांट्स के जो लत होते हैं उसी से मैं सजा के रखी हुई हूँ अपना किचन के कॉर्नर को, देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे। और इसी के साथ मैं और एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहती हूँ। देखिए ये मेरा किचन का सीलिंग है, तो मैं इस सीलिंग में सोचा मेरा किचन छोटा है तो मैं क्या करूँ, कैसे मैं सारे सामान सेट करके रखूँ, तो मेरे दिमाग में एक आया प्लान, और मैंने हुक खरीदा कुछ 8 रुपए करके एक एक, तो 10-12 हुक खरीदे, तो मैं अपना मिस्त्री को बुला के और सीलिंग में ये सेट करवा दिया, और उसी में टांगी हुई हूँ। देखिए यार मैंने मेरा ओरिजिनल प्लांट है जो मैंने थम्सअप की बॉटल काट के और उसे ब्राउन कलर करके और उसमें मिट्टी दे के, और ये मैं मनी प्लांट लगाई हूँ, ये ओरिजिनल है, मैंने एक दिन छोड़ छोड़ के मैं पानी देती हूँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा है देखिए। और यह बारबेक्यू नेट्स, ये भी मैं टांग दी हूँ सीलिंग में। यह मेरे तावा नॉन स्टिक के, ये सब तो दाग हो जाता है ना, तो इसलिए मैंने ये सब टांग के रख दिया। देखिए कुछ सामान ऐसा है मेरा, यह तवा, ये मेरा आर्टिफिशियल प्याज है, ये भी मैं टांग दी खूबसूरती के लिए, ये चॉपर देखिए, और ये तो छलनी है जो मैदा वैदा छानते हैं, ये कढ़ाई बड़ी वाली, ये छोटी वाली, और ये सब जितना सामान है देखिए मैं अपना टांग के रखी हूँ सीलिंग में। अब देखिए फिर एक साथ, तो ये अच्छा लगा ना आपको आइडिया, छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा किचन। आपको अगर हमारे ये किचन का ब्लॉग अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी लगेगी, तो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।